नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पुलिस प्रशासन आदिवासी महिलांना मारण करणाऱ्या पोलिसांचा करेक्ट वसई पुलिस स्टेशन में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई मारपीट मामले में लालबावटा ने निकाला तीव्र आक्रोश मोर्चा। लालबावटा ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ गुनाह दाखिल कर निलंबित करने की उठाई मांग। मांग नहीं माने जाने पर तीव्र आंदोलन का दिया इशारा। मामले के आरोपी पुलिस अधिकारी विनोद वाघ को भेजा गया है कंट्रोल रूम। वसई जोन 2 DCP संजय पाटिल ने दी आधिकारिक जानकारी। वसई पुलिस स्टेशन अंतर्गत पिछले शुक्रवार 19 नवंबर को पापड़ी साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करने गई मूल रूप से कावड़ास की रहने वाली 6 आदिवासी महिलाओं को चोर होने के संदेह में पकड़कर पुलिस चौकी लाया जाकर पुलिस चौकी में पुलिस अधिकारी विनोद वाघ द्वारा मारपीट किए जाने वाले मामले ने जो तूल पकड़ा था, उस मामले में आज दिनांक 25 नवंबर को लाल बावटा पक्ष ने वसई एसटी डिपो से सैकड़ों लोगों की संख्या, जिसमें अधिकतर महिलाएँ शामिल थी, एक प्रचंड मोर्चा वसई पुलिस स्टेशन तक निकाला। पुलिस ने मोर्चे को वसई पुलिस स्टेशन के सामने दूर रास्ते पर ही बैरिकेडिंग करते हुए रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मोर्चे में शामिल लोगों ने मोर्चे को पुलिस स्टेशन के करीब ही एक सभा में तब्दील कर दिया। वैसे तो मोर्चा लाल बावटा पक्ष की ओर से बुलाया गया था, लेकिन इस मोर्चे को समर्थन देने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, जो कि पिछले चुनाव में वसई से शिवसेना के लिए विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, विजय पाटिल भी शामिल हुए और मोर्चे को अपना समर्थन देने की घोषणा की। कांग्रेस नेता विजय पाटिल के अलावा दूसरी किसी पार्टी या संगठन का कोई बड़े नेता या पदाधिकारी शामिल नहीं हुए। मोर्चे में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ तीव्र नारेबाजी की। इस दरमियान लाल बावटा पक्ष के वसई तालुका सचिव कॉमरेड शेरू वाघ के साथ सीता जाधव, मथुरा भोयर, अरुणा मोकड़े, निर्मला चौधरी, राहुल मेढ़ा, सुचिता चौहान, रजनी तांडेल सभी ने जोरदार भाषणबाजी की, जिसमें पुलिस प्रशासन का निषेध व्यक्त किया गया। मोर्चे के अंत में जोन 2 पुलिस उपायुक्त संजय कुमार पाटिल ने मोर्चे में शामिल लोगों को मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। हमने भी पुलिस उपायुक्त संजय पाटिल से आधिकारिक जानकारी मांगी, तब संजय पाटिल ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मी को भाईंदर आयुक्तालय के कंट्रोल रूम में भेजा गया है। मामले की छानबीन वसई ACP द्वारा करवाई जा रही है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो भी उचित कार्रवाई हो पाएगी वह कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त संजय पाटिल के आश्वासन के बाद मोर्चे में शामिल लोगों ने मोर्चे को समाप्त करते हुए सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने की सूरत में फिर तीव्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। कोण म्हणतो करणार नाही?
तिकडे महिला आमच्या आल्या पाहिजे सावलीत बसवा उन्हात बसू नका रस्त्याला अडथळा होईल परत कोपऱ्यामध्ये जाऊन बसणार चर्चा करूया ना आपण सावलीत तिथे कोपऱ्यामध्ये आम्ही बसून तो रस्त्याच्या कडेला बसू आम्ही आम्हाला काय तुमच्या इथे काय अडथळा निर्माण करायचा नाहीये आम्ही शांतपणे बाजूला बसूया इथे सावलीला पण चर्चा करूया सावली असेल का आम्हाला तरी ग्राम बघा साहेब इथे बाहेरच बोलवायचा आहे हो साहेब पण महिलांना एवढ्या एक तर अगोदर महिलांवर अत्याचार झालाय आणि अजून उन्हात बसून अजून अत्याचार करता महिलांवर सावलीच आहे ना बघ ना बरं सावली तिकडे आपण चर्चा करूया साहेबांना बोलवा तुम्ही तुम्हाला भेटा येणार बरं सुटसुटीत बसून घे रस्त्यावर आपण जोवर आपल्याला सावलीत बसण्याचा बंदोबस्त होत नाही तोवर आपण इथेच चर्चा करूया मग आपण शांततेने आलो असतो त्या आपल्याला न्याय मिळेल परंतु जर पोलीस अशा मार्गाने वागत असतील तर आपण पण त्याच पद्धतीने वागूया इथे सुटसुटीत अर्ध्या रस्त्याला बसा आणि अर्धा रस्ता रस्त्याला आणि प्रशासनाच्या मुलं आहे आपल्या मुले वाहनाला अर्थ आता मे बी सरकार हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।